दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं नॉन ट्रेडिंग या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर का एक नया टॉपिक, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसके पहले वाले लेक्चर से मैंने आपको रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट समझा दिया था, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ ऊपर भी कार्ड फ्लैश होगा, वहाँ जाकर देख लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 11th की प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ जाकर भी आपको पुराना लेक्चर मिल जाएगा, तो वहाँ से आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। तो आइए देखते हैं, पहले एक शॉर्ट में रिविजन कर लेते हैं कि क्या होता है। तो देखो, जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उनका जो बिज़नेस करने का तरीका, जो अकाउंटिंग करने का तरीका होता है, कुछ इस तरीके से होता है कि सबसे पहले बनता है जनरल से बनता है उनका रिसीट और पेमेंट, रिसीट और पेमेंट से बनता है इनकम एक्सपेंडिचर, देन फाइनल बन जाता है इससे बैलेंस शीट। अब रिसीट और पेमेंट क्या होता है, जनरल तो आप समझ गए होंगे, जनरल जो जनरल बुक होती है। अब रिसीट और पेमेंट, एक्चुअली कैश बुक को ये लोग रिसीट और पेमेंट कहते हैं। यहाँ पर होगा क्या, कुछ अलग नहीं होने वाला, सब प्रोसेस वही, मेथड वही होगा, बस ये लोग नाम चेंज कर देंगे उस चीज़ों का। जैसे नॉर्मल बिजनेस अगर होता तो वह इसको कैश बुक बोलता, तो यहाँ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन से क्या बोलता है, रिसीट और पेमेंट अकाउंट। इसी तरीके से इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, नॉर्मल बिजनेस में इसे क्या बोला जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ NTO में या फिर नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में से क्या बोलेंगे हम, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। देन फाइनल बैलेंस शीट, तो वो तो नॉर्मली वैसे ही है, ठीक है। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि ये लोग नाम क्यों चेंज करते हैं। तो देखो, जैसा कि मैंने आपको इसका नाम, इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या होता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मतलब ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, यहाँ प्रॉफिट वर्ड यूज़ हम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर यहाँ मान के चलो प्रॉफिट एंड लॉस हम बनाएंगे तो लोगों को लगेगा कि यार आपको तो प्रॉफिट हो रहा है, आप तो प्रॉफिट और लॉस के लिए काम कर रहे हो, लेकिन हकीकत में ऐसा है नहीं। ये जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन या फर्म है वो क्या है, नॉन ट्रेडिंग है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस तो बना नहीं सकती। लेकिन यह जो उसको मुनाफा और घाटा होता है, उसका हिसाब किताब तो रखना ही पड़ेगा, तो कुछ ऐसा तरीका निकालना था हम लोगों को कि यार सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो इन्हें क्या करना, देखो हिसाब किताब तो रखना ही है, तो इन्हें देखो प्रॉफिट एंड लॉस तो किसी न किसी तरह इन्हें बनाना ही था, और दिखाना भी नहीं था कि हम प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं। फिर उन्होंने क्या करा, प्रॉफिट एंड लॉस को ही एज इट इज़ कॉपी करा, ठीक है, फॉर्मेट में सब सेम रहा, और उसका नाम चेंज कर दिया, इनकम और एक्सपेंडिचर कर दिया। क्लियर हुआ, बस यही है और कुछ नहीं है इसके अंदर। तो जैसे कि अब मैंने आपको बताया कि अगर ये सेम वैसा का वैसा ही है, इनकम और एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस ही है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में हमने देखा था क्या होता है भाई, प्रॉफिट एंड लॉस में दो साइड होते हैं इस तरीके से, पर्टिकुलर यहाँ पे सारे के सारे हम एक्सपेंसेस को लिख देते हैं, यहाँ सारी की सारी इनकम लिखते हैं, यही होता है ना। अगर ध्यान दिया हो तो आपने, यहाँ डेप्रिसिएशन वगैरह आता है, सैलरी वगैरह आती है, और यहाँ पर क्या आता है, इनकम, जो भी हमने इनकम करी हो, जैसे कोई इंटरेस्ट वगैरह मिला हो हम लोगों को, इस तरीके से ही आता है। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या, डेबिट साइड सारे एक्सपेंस होते हैं, क्रेडिट साइड सारी इनकम होती है, और ऊपर हेडिंग में पर्टिकुलर लिखा रहता है, यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक। अब देखो, कॉपी तो हम लोग को यही करना है, बस थोड़ा सा नाम चेंज करना है। इनकम और एक्सपेंडिचर में हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लिख देंगे पर्टिकुलर की जगह, यहाँ पर ऊपर एक क्लियरली नाम लिख देंगे एक्सपेंडिचर, ठीक है, यहाँ पर्टिकुलर की जगह लिख देंगे एक्सपेंडिचर, और यहाँ पर लिख देंगे इनकम, और यहाँ पर जाएगा हमारा अमाउंट, ये इसका फॉर्मेट हो जाएगा, सिंपल सा। क्लियर हुआ आप लोगों को, ये सिंपल हो गया, ये इस तरीके से पूरा का पूरा फॉर्मेट रहता है। यहाँ पे आप जैसे कि हेडिंग समझ ही गए होंगे कि डेबिट साइड सारे के सारे खर्चे आएंगे और क्रेडिट साइड सारी की सारी इनकम आएगी, इतना सिंपल है यार, कुछ भी हटके नहीं है। तो जो जो रूल प्रॉफिट एंड लॉस में फॉलो होते हैं, वही वही रूल इनकम और एक्सपेंडिचर में फॉलो होंगे। तो कौन कौन से रूल होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, सबसे पहले तो ये क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर की चीज़ों को लेता है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो इनकम और एक्सपेंडिचर भी सिर्फ रेवेन्यू नेचर के आइटम्स को लेगा, रेवेन्यू नेचर के आइटम्स। देखो सबसे बेस्ट एग्जांपल हूँ, जैसे डेप्रिसिएशन, ठीक, मान के चलो कि आपने 10 लाख रुपये का कोई फर्नीचर खरीदा, तो क्या आप पूरे 10 लाख रुपये प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देते हो, नहीं, आप बस क्या करते हो, उसका जो डेप्रिशिएटेड वैल्यू होती है, मान के चलो 10% के हिसाब से लग रहा है 1 लाख रुपीस, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ जो उसका डेप्रिसिएशन का वैल्यू है वही आप प्रॉफिट एंड लॉस में डालोगे, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में बुक करोगे। तो ये क्या होता है 1 लाख रुपीज़, ये रेवेन्यू नेचर का होता है, और ये जो 10 लाख था ये क्या था, कैपिटल नेचर का एक्सपेंस था। तो हम कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस में कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस को नहीं लिखते हैं, नहीं बुक करते हैं, सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर को करते हैं। तो वही चीज़ हम इनकम और एक्सपेंडिचर में फॉलो करेंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम रेवेन्यू नेचर्स के आइटम्स को डालेंगे, ठीक है। और कौन कौन से रेवेन्यू नेचर्स के हैं वो सब मैं आपको बता दूंगा जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा। अभी सबसे सिंपल एग्जांपल था डेप्रिसिएशन, तो वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है,
कि हमें सिर्फ और सिर्फ करेंट ईयर के इनकम और एक्सपेंडिचर्स को लेना है, ठीक है। तो करेंट ईयर के लेना है, इसका मतलब क्या है कि अगर मान के चलो कोई नेक्स्ट ईयर का या कोई प्रीवियस ईयर का इनकम और एक्सपेंस है तो उसको हमें हटाना पड़ेगा, ठीक। अब जो क्वेश्चन आपके में आएगा उसमें प्रीवियस ईयर के इनकम और एक्सपेंस तो नहीं दिए रहेंगे, उसमें बेसिकली क्या होगा, एक तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा और एक प्रीपेड एक्सपेंस होगा। तो प्रीपेड एक्सपेंस बेसिकली नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस होगा, मतलब ये हम लोगों ने पहले से ही पे कर दिया है, तो ये आपको हटाना पड़ेगा। और एक होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, वो आपको ऐड करना पड़ेगा। मतलब कि जब भी आपको इसमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, करेंट एक्सपेंस या करेंट इनकम्स को आपको एडजस्टमेंट करने के लिए हमेशा आउटस्टैंडिंग प्लस करोगे और प्रीपेड को माइनस कर दोगे, ठीक है। आउटस्टैंडिंग प्लस क्यों कर रहे हो, क्योंकि भाई ये इसी साल का खर्चा है या इसी साल की इनकम है तो उसको हम ऐड कर रहे हैं, अभी तक पेमेंट नहीं करी लेकिन भाई है तो इसी साल का, अक्रूड तो हो गया है। और प्रीपेड को माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो ये अगले साल का है जो हमने अभी पे कर दिया, इस साल का तो नहीं था इस वजह से माइनस कर दिया, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक ही हमने कई बार किया हुआ है, अगर आप प्रीवियस मेरे लेक्चर देखोगे तो इसमें 1000 बार ये चीज़ बता चुका हूँ मैं इसको, ठीक है। ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस का अलग से टॉपिक भी बनाया हुआ था मैंने, तो आपको वीडियो अगर देखना हो तो देखना, उसमें बहुत डिस्कशन किया है इसके बारे में। तो आई होप आपको ये दो जो रूल्स हैं वो समझ में आ चुके होंगे कि क्या रूल्स हम लोगों को फॉलो करने हैं, एक रेवेन्यू नेचर के आइटम्स लेने हैं और एक करेंट ईयर के आइटम्स को लेना है, ठीक है। करेंट ईयर के आइटम्स लेने का मतलब क्या है, आउटस्टैंडिंग प्लस कर दो, प्रीपेड माइनस कर दो, बस इतनी सी बात है। ये पूरा का पूरा क्या होता है, आपका इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, सिंपल। अब इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट देख लो कि मान के चलो कोई रोटरी क्लब है जिसका इनकम और एक्सपेंडिचर बनाना था हम लोगों को फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2016, इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। ये हो गया डेबिट साइड, ये हो गया क्रेडिट साइड, डेबिट साइड आ जाएगा एक्सपेंडिचर, क्रेडिट साइड इनकम। यहाँ कौन कौन से एक्सपेंडिचर आएंगे, जनरल एक्सपेंसेस, ठीक है, टू सैलरीज एंड वेजेस। तो देखो ये आउटस्टैंडिंग जो है उसे ऐड करना है, मैंने आपको बता चुका हूँ कि आउटस्टैंडिंग ऐड होगा, प्रीपेड माइनस होगा। ये क्यों करते हैं, ताकि हमारा ये जो भी डाटा है वो करेंट ईयर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ करेंट ईयर का बच्चा हमारे पास, ठीक। स्पोर्ट्स मटेरियल, सैनिटरी एक्सपेंस, तो कोई भी ए टू जेड खर्चा होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, जैसे ये डेप्रिसिएशन, ठीक है। इंश्योरेंस तो लेस प्रीपेड, ये मैंने आपको बताया था प्रीपेड होगा तो माइनस कर देंगे, ये कुछ आपको सिंपल सा एग्जांपल दिया है। ये सब्सक्रिप्शन हो गया, सब्सक्रिप्शन मतलब होता है जो जनरल फीस, जो एनुअल फीस आती है आपके मेंबर्स की तरफ से। मान के चलो आपको कोई क्लब है तो एक पर्टिकुलर टाइम पे आप साल भर की फीस तो लेते होगे ना, मंथली लेते होगे, क्वार्टरली लेते होगे, कभी भी लेते होगे, फीस तो लेते होगे नॉर्मल फीस वो। तो यहाँ पे वही आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं, प्रीपेड माइनस करते हैं। तो इस तरीके से इनकम भी बहुत सारी हैं, एंट्रेंस फीस हो सकती है, एंट्रेंस फीस मतलब कोई नया व्यक्ति जब आता है तो उससे जो फीस ली जाती है, डोनेशंस, किसी ने डोनेशन किया है, लाइफ मेंबरशिप फीस, वही लाइफ मेंबरशिप फीस कोई ने साल भर, कोई जिंदगी भर की फीस जो देते हैं वो लोग, मिसलेनियस रिसीव, कोई एक्स्ट्रा रिसीव, प्रीपेड एक्सपेंस, अर्न इनकम, प्रॉफिट ऑन एंटरटेनमेंट, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, ये सब, ठीक है। अब यहाँ पर दो चीज़ आपको दिख रही होंगी, ये डेफिसिट और ये सरप्लस। आप सोच रहे हो ये चीज़ क्या है, तो देखो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस ही है। अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस में जब प्रॉफिट होता है तो हम उसे इस साइड लिखते हैं नेट प्रॉफिट करके, और जब लॉस होता है तो इधर लिख देते हैं लॉस लिख के, ठीक। अब इनकम और एक्सपेंडिचर में हम प्रॉफिट एंड लॉस वर्ड तो यूज़ कर नहीं सकते, तो उसकी जगह हम क्या यूज़ करते हैं, सरप्लस और डेफिसिट। मतलब प्रॉफिट के, प्रॉफिट का मतलब होता है सरप्लस और लॉस का मतलब होता है डेफिसिट, बस इतनी सी बात है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रॉफिट का ही दूसरा नाम है सरप्लस और लॉस का ही दूसरा नाम है डेफिसिट। अब सोच के देखो खुद ही, भाई प्रॉफिट कब होगा या सरप्लस कब होगा, जब हमारे पास इनकम ज़्यादा होगी और खर्चे कम होंगे। तो जब इनकम ज़्यादा होगी और एक्सपेंसेस कम होंगे तो क्या होगा, सरप्लस, सिंपल सी बात है ना। और जब डेफिसिट कब होगा, सिंपल सी बात है, जब खर्चे ज़्यादा हो जाएंगे और इनकम कम हो जाएगी तो डेफिसिट हो जाएगा, सिंपल सी बात है, इतना सा, ठीक है। ये सरप्लस को आप प्रॉफिट बोलते थे पहले और ये डेफिसिट को पहले आप लॉस बोलते थे, अब बस थोड़ा सा आपको इनकम एक्सपेंडिचर में नाम चेंज कर देंगे और कुछ भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये फॉर्मेट ही समझ में आ चुका होगा, इस तरीके से पूरा फॉर्मेट रहता है। तो अब एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं एडजस्टमेंट के साथ, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखते हैं, देखो क्या क्वेश्चन दे के रखा है कि हम लोग को इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, ठीक है, नवचेतना क्लब का, फॉर द फॉलोइंग रिसीट और पेमेंट अकाउंट, ये रिसीट और पेमेंट अकाउंट है, इसे देखते हुए हमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, किसके लिए, ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2016। तो ये सिंपल सी बात है। तो ये देखो रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट है, इससे हमें क्या बनाना है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब ये किस तरीके से बनता है, देखो जब भी रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट आएगा तो आपको कुछ चीज़ का ध्यान रखना है, क्या क्या,
कि आपको कभी भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं लेना है, ठीक है? ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं लेना है रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट का, ये आपका इनकम और एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। मतलब ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग हमारे किसी काम का नहीं है, इसको वैसे ही छोड़ दो, ठीक है? काटो, इससे कोई मतलब का नहीं है, जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये किसी काम का नहीं है। इसके बाद आगे देखते हैं, ठीक है? ये चीज़ ध्यान रखना है आप लोग को। अगला है टू एनुअल सब्सक्रिप्शन, ठीक है? तो ये देखो, ये रिसीप्ट साइड होगा, ये पेमेंट साइड होगा, मतलब ये हमारी सारी की सारी इनकम्स हैं। अब ये रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट क्या होता है? कैश बुक होता है। तो कैश बुक में देखो, पैसा यहाँ आ रहा है इसलिए डेबिट साइड लिख रहे हैं, और यहाँ पैसा जा रहा है इसलिए क्रेडिट साइड लिख रहे हैं, ठीक? ये फर्नीचर, ये सारे क्या हमारी, ये सारे खर्चे एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर देखो, एनुअल सब्सक्रिप्शन, साल भर की जो सब्सक्रिप्शन आई, लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस, एंट्रेंस फीस, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सारी इनकम हो गई। बाय फर्नीचर, तो फर्नीचर पे ध्यान रखना है हम लोग को कि पूरा फर्नीचर तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि ये कैपिटल नेचर का हो जाएगा, हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसका डेप्रिशिएटेड वैल्यू लेंगे, ठीक है? रेंट एंड टैक्स, ठीक है? सैलरीज एंड वेजेस, जनरल एक्सपेंसेस, ये काम की बात हो गई है। एडजस्टमेंट क्या है? एडजस्टमेंट्स देख लेते हैं। तो क्या बोल रहा है वो, एंट्रेंस फीस शुड बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम। तो ये जो एंट्रेंस फीस है, इसे हमें किसकी तरह ट्रीट करना है? रेवेन्यू की तरह ट्रीट करना है। इसका मतलब ये हमारे इनकम और एक्सपेंस में आएगी। इसकी जगह अगर ये बोल देता है कि एंट्रेंस फीस को कैपिटल नेचर या कैपिटल इनकम की तरह ट्रीट करना है, तो फिर ये हमारे इनकम और एक्सपेंडिचर में नहीं आती, ठीक है? तो हाल फिलहाल तो उसने रेवेन्यू बोला है, तो ठीक, हम इंक्लूड कर लेंगे। लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस इज टू बी कैपिटलाइज्ड। तो ये जो लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस है, ये सब कैपिटलाइज करना है, मतलब कि ये हमारे इनकम और एक्सपेंडिचर में नहीं आएगी, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। तो इसको काट देते हैं हम, ये 50 रुपीज़ नहीं आएगा, ठीक है? ये टिक हो गया, ये हो गया। तीसरा, फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। हाँ ठीक है, ये डेप्रिसिएशन 10% का लगेगा। तो 160 का 10% अगर निकालें तो कितना आएगा? 16 रुपीज़। तो ये इसका डेप्रिसिएशन का वैल्यू आ गया, ठीक है? आगे जनरल एक्सपेंस 40 आर आउटस्टैंडिंग, ठीक है? तो ये जनरल एक्सपेंस है, 40 आउटस्टैंडिंग है। तो आपको पता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को क्या करते हैं, हम प्लस करते हैं, मतलब 40 रुपीज़ इसके अंदर प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ प्लस 40 हो जाएगा, तो ये कुल मिलाकर 148 इतने आपके अमाउंट से होगा, ठीक है? तो इतनी सी बातें थी, अब आप उसकी एंट्री कर लेते हैं। तो देखो, इनकम साइड क्या क्या लिखना है हम लोग को, एनुअल सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फीस और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है? तो यहाँ पर लिख लेते हैं एनुअल सब्सक्रिप्शन 342। तो ये देखो, ये फॉर्मेट है, इस तरीके से पूरा फॉर्मेट बनेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय एनुअल सब्सक्रिप्शन, ठीक है? कितना अमाउंट था? 342। तो बाय एनुअल सब्सक्रिप्शन 342। इसके बाद क्या था, दूसरी चीज़ थी एंट्रेंस फीस, ठीक है? लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस को लेना ही नहीं है। एंट्रेंस फीस 248, तो यहाँ पर बाय एंट्रेंस फीस 248। अगला इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितने का? 38 का, ठीक है? तो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक, कितना था? 38। तो ये 38 अमाउंट, ये हो गया इनकम साइड पूरा हमारा। अब देख लेते हैं हमारे खर्चे, मतलब एक्सपेंडिचर्स। तो यहाँ पर फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा 160 रुपये का, सॉरी 16 रुपीज़ का। तो ट्रू डेप्रिसिएशन 16 रुपीज़, ये आ गया। इधर देखते हैं, बाय रेंट एंड टैक्स 137। तो यहाँ पर हो जाएगा टू रेंट एंड टैक्स कितना था? 137, तो 137। इसके बाद सैलरीज एंड वेजेस और जनरल एक्सपेंस, ये दोनों एक साथ ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है? टू सैलरीज एंड वेजेस, ठीक है, और टू जनरल एक्सपेंसेस, ठीक। तो जनरल एक्सपेंस हमारे कितने थे? 108 था। इसमें क्या होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्लस हो जाएंगे, कितने के थे? 40 के थे। तो कुल मिलाकर कितना हो गया था? 148 इतना हो गया था। तो यहाँ पे 148 से जाएगा, और सैलरीज और वेजेस का कितना अमाउंट था? 110, ठीक है? तो ये 110। तो ये हम लोगों ने पूरी की पूरी जो थी एंट्री कर ली। आप टोटल कर लेते हैं आप। तो देखो, टोटल में मुझे ये साइड ज़्यादा लग रहा है, तो ये कितना होगा? 818, ठीक है? हाँ 18, 1 प्लस हो जाएगा, तो 8, 9, 10, 11, 12, ठीक
है, और 3, 4, 5, 6, 6, 28, तो इधर भी 6, 28 आ जाएगा। अब इनके बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं, मैंने यहाँ जगह नहीं छोड़ी, ठीक है, कम हो गई थी जगह, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6, 28 में से ये सब चीज़ें हम माइनस कर देंगे, तो देखो कितना बचेगा। तो यहाँ पर देखो हमारे पास लगभग बचेगा 217, ठीक है। यहाँ पर जब 2, 6, 28 में से, ये पूरे 6, 28 में से जब आप इस पूरे को माइनस करोगे तो आपके पास तकरीबन बच जाएगा यहाँ पर 217, ठीक है। ये 217 क्या है, ये आपका है सरप्लस, टू सरप्लस, ठीक है, सिंपल सा। चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो टू सरप्लस ऑफ इनकम, ठीक है, सरप्लस लिखना वैसे सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है। तो ये आपका जो है वो 217 का सरप्लस बच जाएगा, सरप्लस हमारा मतलब प्रॉफिट। तो इस तरीके से ये पूरे का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ अब समझ में आ चुकी होगी। एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, हमको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है किसका, महावीर क्लब का, ठीक है, 31 दिसंबर 2016 के लिए, ठीक, रिसीप और पेमेंट अकाउंट से, ठीक है, सिंपल सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर क्या क्या देख रखा है, ये ओपनिंग बैलेंस है जो कि हमारा किसी काम का नहीं, ओपनिंग और क्लोजिंग को सबसे पहले हटा दिए करो, ठीक। अब नीचे एक बार एक का चेक कर लेते हैं कि नीचे क्या क्या दिख रखा है, एडजस्टमेंट, वो एडजस्टमेंट यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे फिर डायरेक्ट ड्राफ्ट कर देंगे। तो ये देखो एडजस्टमेंट किसकी इसका था, रेंट पेड इन एडवांस अमाउंटेड टू ₹50, तो रेंट था ये, रेंट यहाँ पर हम लोगों ने क्या करा था, अमाउंट पे करा था, इसको मार्क कर लिया ताकि ध्यान रहे हम लोगों को, ठीक। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको एडवांस में पेमेंट कर दिया, मतलब प्रीपेड है, तो ये प्रीपेड रेंट माइनस करना पड़ेगा वहाँ जाके बाद में, तो ये प्रीपेड माइनस होगा 50, ठीक है, ये चीज़ हम समझ गए। दूसरा एडजस्टमेंट सैलरी 140 एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस 60 आउटस्टैंडिंग, तो यहाँ सैलरी, ठीक है, ये आउटस्टैंडिंग है कितना 140 से, तो आउटस्टैंडिंग प्लस होगा। इस तरीके से इलेक्ट्रिक चार्जेस भी आउटस्टैंडिंग है 60 से, तो प्लस हो जाएंगे। थर्ड है सब्सक्रिप्शन ₹300 इज आउटस्टैंडिंग, तो सब्सक्रिप्शन जो है वो आउटस्टैंडिंग है, तो यहाँ पर देखते हैं सब्सक्रिप्शन का कहीं ऑप्शन नहीं देके रखा है, मतलब ये अलग से ऐड होगा, ये ध्यान रखना है हम लोग को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी दिया नहीं है सब्सक्रिप्शन के बारे में, तो सब्सक्रिप्शन बेसिकली यहाँ पर आएगा, ये देके रखा है, सॉरी एनुअल सब्सक्रिप्शन देके रखा है, सॉरी, ठीक है, 300 का, तो ये 300 आउटस्टैंडिंग है, तो ये प्लस होगा 300, ठीक है, ये देके रखा है सब्सक्रिप्शन। इसके बाद फर्नीचर इज़ टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, तो ठीक है, यहाँ पर ये 10% के हिसाब से डेप्रिशिएट होगा, तो ये 600 का 10% अगर निकालूं तो कितना निकलेगा 60, तो ये इसका डेप्रिशिएशन वैल्यू होगा। बाकी सब तो सेफ है, बाकी सब तो कुछ खास दिया नहीं है, बाकी एंट्रेंस फीस, ठीक है, इनकम मान लेंगे, इनकम फ्रॉम लेक्चर्स नॉर्मल हमारी इनकम मान लेंगे, ये तीनों चीज़ का हो गया, स्टेशनरी हमारा खर्चा हो गया, ठीक है, बाकी चीज़ तो कुछ लेना नहीं है। तो आओ देख लेते हैं रिसिप्ट, मतलब ये हमारी इनकम साइड में जाएगा रिसिप्ट सारी। तो रिसिप्ट में क्या क्या है, एनुअल सब्सक्रिप्शन है 2250 का और 300 आउटस्टैंडिंग है, तो यहाँ पर बाय एनुअल सब्सक्रिप्शन, ठीक है, कितने का था 2250 और 300 आउटस्टैंडिंग, तो यहाँ पर 2250 प्लस आउटस्टैंडिंग 300 का, तो टोटल कितना हो गया ये 2550, ठीक है। आगे देखते हैं एंट्रेंस फीस 630, तो एंट्रेंस फीस बाय एंट्रेंस फीस 630। अगला इनकम फ्रॉम लेक्चर्स 1190, तो बाय इनकम फ्रॉम लेक्चर्स 1190, ठीक है। आगे देखते हैं रेंट और रेट, ये हमारे सारे के सारे अब खर्चे आ जाएंगे। तो रेंट और रेट में देखो प्रीपेड 50 का था, ठीक, तो ये देख लेते हैं, यहाँ पर जाएगा टू रेंट एंड रेट, तो ये वैसे 1000 है, इसमें से प्रीपेड माइनस होगा, माइनस प्रीपेड, ठीक है, 50 का, तो ये कितना बच जाएगा, ये माइनस हो रहा है यहाँ पे, तो फाइनली यहाँ बस बचेगा 950। आगे देखते हैं सैलरी, तो सैलरी देखो 600 थी और आउटस्टैंडिंग 140 थी, तो यहाँ पर टू सैलरी, तो यहाँ पर था 600 और 140, तो यहाँ पर 600 था प्लस आउटस्टैंडिंग 140, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये प्लस हो रहा है इसमें
टोटल हो जाएगा 740। देखो बाय फर्नीचर, तो फर्नीचर तो आएगा नहीं, उसी का डेप्रिसिएशन आएगा। डेप्रिसिएशन मैंने निकाल लिया था 600 का 10% 60, तो टू डेप्रिसिएशन 60। अगला बाय स्टेशनरी 820, सिंपल सा, ठीक है। तो यहाँ पे इस साइड आ जाएगा टू स्टेशनरी कितने का था, 820 का। अगला बाय इलेक्ट्रिक चार्जेस कितने का था, 60 का। आउटस्टैंडिंग कितने, 60। तो यहाँ पर जाएगा टू इलेक्ट्रिक चार्जेस 60 का प्लस आउटस्टैंडिंग चार्जेस 60, टोटल हो जाएगा 120। दोनों साइड हम प्लस कर लेंगे, तो प्लस करने पे कितना आएगा, तो इधर साइड देखते हैं हम लोग, यह जाएगा हमारा 4370, ठीक है। इधर भी 4370 और यहाँ पे 4370। अब इसमें से ये सारी सारी चीज़ें माइनस कर देंगे हम 4370 में से, तो यहाँ पर देखो माइनस करने पे कितना बचेगा, 1680। तो ये 1680 हमारा क्या होगा, टू सरप्लस, ये हमारा सरप्लस होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा पूरा सॉल्व हो गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अब समझ में आया होगा, और हम लोग कुछ मैं कुछ नया भी लेकर आया था, मतलब आपके लिए थोड़ा सा कह सकते हैं लिखने का थोड़ा तरीका मैंने बदल दिया, थोड़ा अपडेट कर दिया है। तो आई होप आपको ये चीज़ भी समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।